अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज यहाँ बहुत बारिश हो रही है और हमारे यहाँ अंडे बॉईल हो रहे हैं बच्चों के लिए और हमारे राइस कुक हो गए हैं। तो आज हम भिंडी की कढ़ी बताते हैं आपको। ये हमारे बच्चों के बॉटल्स बॉईल करते हैं हम बच्चों के लिए। तो 3 डली प्याज ले, उसमें बकरी का गोश्त ले लें 1/2 किलो और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और हल्दी पाउडर डाले 1/2 चम्मच और रेड चिली पाउडर डाले 2 चम्मचे। आधा चम्मच सॉल्ट डाल लें ज़रूरत के हिसाब से और 1 कप पानी ऐड कर दें। टमाटे 5 से 6 बारीक चॉप करके हमने कट करके टमाटे ऐड कर दिए इसमें। की लीड बंद कर दे और इसे कुक होने दे, प्याज और टमाटे गल गए टेंडर हो जाए। यहाँ पर हमने इमली को 1 कटोरी इमली को सोख कर लिया है। हमारे यहाँ प्याज और टमाटर गोश्त भी गल गया है, टेंडर हो गया। हम यहाँ पर 3 टेबल स्पून ऑयल डालते हैं और हम डालते हैं 125 ग्राम भिंडी कट इन टू पीसेस। और हम आज बाहर गए थे तो वेजिटेबल्स लाने के लिए, तो रास्ते में स्वीट शॉप दिख गई तो हमने यहाँ मिठाई ले ली। लड्डू है और ये बालूशाही बहुत अच्छे हैं, बहुत यम्मी हैं, बहुत टेस्टी हैं। हमारे भिंडी भी इसमें टेंडर हो गई और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें जो इमली का जूस, हमने इमली सोख की थी, इमली का जूस यहाँ पर डाल दिया है और इसे अब हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालते और 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब इसे बॉईल होने देते हैं। यहाँ हमारे बच्चों का दूध बॉईल हो रहा है सेरेलेक्स डाल के और यहाँ अब कढ़ी बॉईल होने लगी। तो हम इसमें कड़ी लीव्स, हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर लीफ, हरी मिर्ची 5 से 6 कट की हुई और अच्छे से बॉईल होने देते हैं ताकि इमली की खट्टी वो चले जाए। और इसमें हम 1 टेबल स्पून बेसन को भिगा लिया था और इसमें ऐड कर दिया। अब इसे बॉईल होने देते हैं ताकि बेसन इसमें अच्छे से घुल जाए। और अब हमारी कढ़ी बनकर तैयार है। स्विच फ्लेम ऑफ कर दे। यहाँ हमारे राइस और कढ़ी और यहाँ हमारा सलाद बनकर तैयार है। अभी हम डिनर की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ 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 शेयर करें।